नमस्ते दर्शकों, तो कैसे हो आप लोग। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है सुस्मित संखे और मैं आज वापस आ गया एक नए अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ। आज मैं यहाँ पे अनबॉक्स कर रहा हूँ बॉब स्वीप पेट हेयर विजन प्लस। एक्चुअली ये एक रोबोट वैक्यूम है। मेरे को इतना लाइफ में टाइम नहीं रहता कि घर में वैक्यूम कर सकूं, तो इसकी वजह से मैंने रोबोट वैक्यूम लिया हुआ है मोबाइल से। शायद से अब तक तो जहाँ पे मैंने फीचर्स देखे इसके वेबसाइट पे, तो उससे पता चल रहा है कि इसको मैं मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकता हूँ और कहीं पे भी रहूँ। एक बार मैंने सेट कर दिया पूरा घर, मैप सेट कर दिया, तो ये जब भी मैं उसको कमांड दूँ कहीं से भी दूँ, ये पूरा घर वैक्यूम कर देगा। तो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं अभी। बॉक्स की तो कोई ज़रूरत नहीं, इसको फेंक देते हैं अभी बाजू में। इसका आउटर बॉक्स दिखा देता हूँ मैं आपको। ओह, इंक्लूड्स बोनस एक्सेसरीज बंडल, मुझे पता नहीं था ये भी मुझे मिल रहा है। अभी देखते हैं क्या एक्सेसरीज बोनस मिले हैं मुझे। तो जैसे बता रहा था मैं, इसमें विजन मैपिंग है, जैसे इंफ्रारेड और लाइडर स्कैनर है, तो अगर सामने कुछ आ जाए तो वो उसको डक करके निकल जाएगा और आजू बाजू का एरिया क्लीन कर देगा। नेविगेशन सिस्टम है, ओके, जैसे ऐप का बोला है मैंने, और 2 ईयर वारंटी, वर्क्स ऑन कारपेट हार्डवुड और टाइल, मतलब ऑलमोस्ट सब जगह पे यूज़ कर सकते हो आप इसको। इसके बाजू में देखते हैं क्या है। इसमें बताया बॉक्स कंटेंट्स, बॉक्स कंटेंट जो रोबोट वैक्यूम, चार्जर, चार्जिंग स्टेशन, क्लीनिंग टूल, साइड ब्रशेस 4 मिल रहे, 2 फिल्टर मिले। बोनस एक्सेसरीज में ओके, वेट मॉप मिला है। ओके, मतलब आप मॉप भी कर सकते हो, शायद से वाटर डालना पड़ेगा। माइक्रोफाइबर मोपिंग क्लॉथ्स 2 मिले, नो स्वीप स्ट्राइप्स, और इसके डायमेंशन से। और इसकी कुछ प्राइस है, US में $899, इंडिया में अराउंड ये 50 से 60,000 के रेंज में मिल जाएगा आपको। तो चलो अभी इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। क्विक स्टार्ट मैनुअल, इंस्टॉल, चार्ज एंड कनेक्ट विथ योर फोन। ओके, इसके अंदर क्या है। ओके, वारंटी कार्ड है जैसे बताया, 60 डे मनी बैक गारंटी, 2 साल का वारंटी है, 5 ईयर्स रिपेयर प्लान और लाइफ टाइम कस्टमर सर्विस। देखो हस्की, ये मैनुअल है, देखते हैं इसकी ज़रूरत पड़ती भी है या मुझे नहीं पड़ती। जिप टाइज, पता नहीं जिप टाइज की क्या ज़रूरत है, इसको बाजू में रख देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। ये क्या है, ओ ये चार्जिंग स्टेशन है इसका, ये यहाँ पे केबल लग जाएगी। ये बाद ये जो चीज़ है शायद से या मॉप के लिए है, इसके अंदर पानी या फिर कोई अपना लिक्विड डाल के मॉप करने के लिए। बाद इसमें कुछ नहीं, एक क्लोथ मिला है कुछ तो क्लीन करने के लिए। ये है फिल्टर,
बहुत हेवी है, कोई तो बेल्ट है कुछ मेटल के लिए, पर मुझे समझ नहीं रहा ये किसके यूज आएगा। इसको भी बाजू में रख देते, मैनुअल पढ़ते टाइम काम आएगा। उसके बाद यहाँ पे है इसका चार्जर, और कुछ है नहीं, और कुछ नहीं दिख रहा। और फाइनली अपना मेन प्रोडक्ट वैक्यूम क्लीनर। नहीं, इसके नीचे 1, 2, 3, 4 ब्रश दिए हुए। और ये भी कुछ तो ब्रश है, पर कुछ क्लीन करने के लिए। इसका भी मुझे पता नहीं क्या ज़रूरत है, इसको भी बाद में देखूँगा मैं। ये रहा रोबोट। इसके पहले स्टार्ट नीचे से करते, हेवी है, बहुत हेवी है। तो यहाँ पे व्हील दिए हुए है, ये भी व्हील है जो 360 डिग्री घूम रहा है। ओके, ये शायद से वैक्यूम के लिए है, और वो वाला मॉप के लिए। सही बोला, ये वैक्यूम इसके अंदर पहले से इंस्टॉल्ड आ रहा है लिखा है यहाँ। तो खोल के देखते फिल्टर इंस्टॉलेशन कैसे करना है। ये फिल्टर इसने पहले से इंस्टॉल दिया हुआ है एक, और दूसरा अपने पास है। अगर ये ख़राब हो जाए तो वैसे भी क्लीन कर सकते हो, बहुत टाइम 2-3 महीना तो चल जाएगा ये। उसके बाद तो वो भी ख़त्म होने के बाद मेरे को नया ऑर्डर करना पड़ेगा। चलो, फिल्टर यहाँ से चेंज हो जाएगा इसका। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो है ब्रश, ये जो क्लीन करके वैक्यूम खींचेगा। मेरे अब भी ओके, ये यहाँ पे दोनों जाएंगे। ओके, तो ये शायद से सही नहीं लगा हुआ है। ओके, अब ये दोनों लग गए। अच्छा है, मतलब अगर ये आपके कोने पे अगर क्लीन नहीं हो रहा है तो ये कुछ ऐसे घूम के कोने का सब कचरा सब अंदर ला के ये वैक्यूम से अंदर खींच लेगा। मतलब आजू बाजू के कोने भी क्लीन हो जाएंगे इससे। इसके सेंसर्स देखते हैं अभी, जहाँ तक मुझे पता है। चलो, ये तो बटन है। ओके, जो सामने वाला यहाँ पे जो दिया हुआ है, देखिए प्लास्टिक, ये पूरा का पूरा सेंसर है। तो मतलब सामने आपके कुछ भी आ जाएगा रोबोट के सामने, तो वो सेंस कर लेगा और उसको डक करके ऑलमोस्ट 180 डिग्री व्यू दे रहा है इसको। तो डक करके आजू बाजू का एरिया क्लीन कर देगा। ये जो स्क्रीन है, ये भी नहीं, यहाँ पे भी सेंसर ही है। सेंसर प्लस स्क्रीन दोनों है शायद से। जो कैम पता नहीं है मुझे, ये कैमरा 360 डिग्री व्यू देगा शायद से, पता नहीं कैसा वर्क करेगा पर कर लेगा वो। रिमूव बिफोर यूज। चलो, अभी ये स्टार्ट तो हो गया, ऑलमोस्ट लाइट जल रही है यहाँ पे। मुझे बैटरी पता नहीं कितनी इसकी है, कुछ आवाज़ तो आ रहा है मतलब। ओके, हो गया स्टार्ट। इसको मैं ज़रा ऐप से कनेक्ट कर देता हूँ।
के वॉपसी का ऐप अलाव, यप एड मॉडल, अला वाइल इज कैप, के वाईफाई तो डाल दिया, क्यूआर कोड पेयरिंग, बाप रे, जो इसमें शायद से QR कोड है, मुझे इसको स्कैन करना है ऐसे। तो कनेक्शन के लिए मैं सब कुछ ट्राई किया है, कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। बाद में पता चला मैनुअल पढ़ने के बाद कि ये दबा के, ये बैटरी का बटन दबा के रखो, Connecting to Wi-Fi. उसके Wi-Fi pairing. उसके बाद इंश्योर द कैमरा लेंस कवर, और ये शायद से स्कैन करना है। फाइनली ये स्कैन तो हो गया। Wi-Fi detected. ओके Connecting. कब से मुझे लग रहा था हो गया कनेक्ट, पर Connection हुआ ही नहीं था। successful. ओके सक्सेसफुल, देखो अब भी हो गया कनेक्ट है। अपडेट, रिमाइंड मी लेटर, इसको बाद में अपडेट कर दूंगा। अब ये हुआ, देखो इस 27% बैटरी दिखा रहा है। स्वीप चार्ज, इसको मैं चार्ज पे, नहीं ये तो अपडेट का है। ओके स्केड्यूल जैसे स्वीप के लिए किया, प्ले कर। ओके ये स्टार्ट हुआ, देखो देखते आगे मेरा सोफा है क्या हो रहा है। ओके उसने सेंस कर दिया। देखो उसको डॉक्टर के कैसे बाजू से निकल गया ये, और यहाँ पे मैंने चार्जिंग स्टेशन लगाया हुआ है उसका, तो सही है। मुझे कुछ वैक्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वैक्यूम करने में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। तो इसको एक बार कमांड दे दो, खुद से जाके चार्ज हो जाएगा और खुद से घर क्लीन भी कर देगा, तो ये बेटर है। अभी मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू मैं अभी नहीं दे सकता, मुझे पता नहीं, मैंने यूज़ नहीं किया अभी की, अभी चालू किया है। जैसे कोने में जा रहा है ना, तो वो कोने का कचरा भी सब आ रहा है। तो सही है, शायद से 1-1.5 घंटे में मेरा पूरा घर भी क्लीन हो जाएगा। सो फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं ऐसे ही कूल कूल वीडियोस डालते रहूँगा, और वीडियो को लाइक भी कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। मैंने वो रोबोट को है ना अभी चार्ज पे डाला हुआ है, देखते खुद से चार्जिंग पे जा रहा है। सही है, चला गया चार्जिंग पे, मतलब कुछ टेंशन ही नहीं है घर क्लीन करने की, इजीली घर क्लीन हो जाएगा अभी। सही है, चलो बाय।